नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से चावल के पापड़ की रेसिपी, जिसे हर कोई चाहे तो बना ले। तो यहाँ पर चावल के पापड़ के लिए आपको चाहिए होगा चावल का आटा, क्योंकि आज मैं कच्चे चावल से आपको आटा भी बना के इसी वीडियो के अंदर दिखाऊंगी और चावल के पापड़ भी बना के दिखाऊंगी। आपको भी बनाने हैं बिना टूटे, बिना फटे, बिना कोई झंझट के चावल के पापड़। तो वीडियो को अच्छे से देख के समझ लीजिए, उसके बाद आप हर बार चावल के पापड़ घर में बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आपके पास चावल का आटा है पहले से, तो आप उससे भी पापड़ बना सकते हैं, और यदि नहीं है तो चावल को घर में भी लेके आटा तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर क्या होता है, चावल आप कोई सा भी ले सकते हैं, थोड़ा सा मोटा दाना वाला, थोड़ा सा पतला दाना वाला, कोई भी ले सकते हैं। लेकिन चावल के पापड़ के लिए जितना अच्छा टेस्टी वाला चावल लेंगे ना, उतना ही अच्छा आपका पापड़ भी स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। ऐसे आपके पास जो भी चावल है आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी वाला चावल ली हूँ, इससे ही आज पापड़ बना के और आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले क्या करना है कि चावल को हमें डाल लेना है मिक्सर जार में। चावल को आटा बनाने से पहले थोड़ा सा साफ से धो लीजिए 2 से 3 पानी के लिए, और धोने के बाद 1 घंटा तक पंखे के हवा में डाल दीजिए। जब चावल आपका सूख जाएगा, हल्का सा सूख जाए, हल्का नमी भी रहना चाहिए चावल में, उसके बाद आप इसको अच्छे से पीस लीजिएगा बारीक करके। तो ये बहुत अच्छा आटा तैयार होता है पापड़ के लिए खासकर, तो आप उस तरीके से आटा तैयार कर सकते हैं। यदि आपको चावल के आटे के पूरे अच्छे से वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वीडियो का लिंक या फिर से वीडियो बना के डाल दूंगी। तो देखिए, अभी इसको थोड़ा सा बारीक करके पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर चावल को अच्छे से पीस ली हूँ। अब क्या करना है कि चावल को आपको छन्नी से छानना है। जो चावल इसमें नहीं पीसा होगा वो छन के निकल जाएगा, और ज्यादा आटा आप बना रहे हैं तो बार बार आप छन्नी में इसको छानते जाएं। जो नहीं पीसेगा उसे फिर से दोबारा डाल के अच्छे से पीस के चावल का एकदम बारीक सा आटा आपको तैयार करना है। चावल मोटा नहीं होना चाहिए, चावल के पापड़ के लिए हमें आटा एकदम बारीक चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर जो नहीं पीसा है इसको फिर से मिक्सर जार में डाल के, और जो बचे हुए चावल है उससे हमें आटा तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर चावल का आटा जो है हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें डालना है हमें स्वाद के अनुसार नमक। कहीं से भी वीडियो स्किप मत कीजिए, अच्छे से एक बार समझ जाइए। नहीं तो होता है ना कि आधा अधूरा वीडियो देख के पापड़ बनाते हैं, और कभी कभार बहुत लोगों का पापड़ जो है फट जाता है। अब इसमें डालना है हमें जीरा। आप इसी तरीके से ढेर सारा पापड़ बनाइएगा, मैं थोड़े से आपको बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि हर हमेशा फ्रेंड्स पापड़ की ही रेसिपी बनाती हूँ, तो बनाते बनाते बहुत ज़्यादा पापड़ हमारे पास जमा हो जाता है। इसके वजह से मैं तो अड़ोस पड़ोस में पापड़ दे देती हूँ, जिनको ज़रूरत होता है उनको दे देती हूँ। तो आप के साथ मैं जो है ना तरीका शेयर कर रही हूँ कि आप इस तरीके से पापड़ बना सकते हैं। अब आटा के अंदर आपको डालना है थोड़ा सा कलौंजी, इसे पापड़ देखने में भी अच्छा लगता है और स्वादिष्ट भी बनता है। थोड़ा सा कलौंजी डालिए, साथ में थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं आप अजवाइन। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इसमें चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करना है, तो थोड़ा सा मोटा मोटा आप इस तरीके से मिर्ची को कट करके डाल सकते हैं। चिली फ्लेक्स बहुत ज़्यादा बारीक होता है बाजार वाला, आप घर में चाहें तो इस तरीके से कट करके इसके अंदर डालें। पापड़ आपका देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और खाने में भी स्वादिष्ट लगता है इस टाइप का। जब पापड़ फ्राई करेंगे ना तो साथ में मिर्ची जो फ्राई हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है इस तरीके से। चिली फ्लेक्स की रेसिपी चाहिए आपको तो कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो का लिंक दे दूंगी, इसका भी वीडियो डाली हुई हूँ। तो बारीक बारीक करके हमें इसमें मिर्ची भी डाल लेना है। आप देख लेंगे, आपको मिर्ची वाला पसंद है तो मिर्ची डालिएगा, नहीं पसंद है तो आप बिना मिर्ची वाला भी पापड़ को बना सकते हैं। अब सारे सामग्री इसमें ऐड हो गए हैं। अब क्या करना है कि हमें इसको जो है ले लेना है कोई कटोरी टाइप में, जिसमें कि अच्छे से पापड़ के मिक्स को मिक्स कर सके हम लोग। तो इसके लिए इसको ले लेती हूँ ये वाले कटोरी में।
और अभी क्या करना है, आटा के अंदर हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है। एक बार में बहुत ज्यादा पानी नहीं डालिए, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालिए, नहीं तो क्या होगा, चावल का आटा जो है इसमें गुठली पड़ जाते हैं, गुठली वाला हमें नहीं चाहिए होगा। बहुत अच्छे से थोड़ा थोड़ा सा पानी डालिए और इसको जो है हल्के हाथों से मिक्स करते जाइए, इससे इसके अंदर बिल्कुल भी गुठली नहीं पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करना है, देखिए, जिससे ये थोड़ा सा चिपचिपा हो। इस तरीके से हमें मिक्स करना है। देख रहे हैं, बहुत कम पानी डाली हूँ और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, जिससे हमारे जो चावल का आटा है वो अच्छे से चिपचिपा बनेगा और हमारा पापड़ बिल्कुल भी टूटेगा फटेगा नहीं। अब देखिए ये काफी गाढ़ा हो गया है, तो फिर से हमें उसी कप में पानी लेना है और थोड़ा सा इसमें डालना है। फ्रेंड्स, ये वाले पापड़ में आपको चावल के आटे का कोई भी नाप तोल नहीं सही करना है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो पानी है वो सही मात्रे में पड़ना चाहिए और थोड़ा थोड़ा सा ही आप पानी डालें। बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पानी डाल के इसको एक बार से घोल देंगे तो ये पापड़ जो है टूटने का डर रहता है। वीडियो अच्छा लगेगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे होली स्पेशल पापड़ की रेसिपी आने वाले हैं हमारे चैनल पर। तो आप चाहें सब्सक्राइब करके रखें, तभी तो हमारे अगले वीडियो भी आप देख पाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका एक घोल सा तैयार कर ली हूँ, आप देख पा रहे हैं घोल। बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं की हूँ और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। अभी क्या करना है कि घोल को हमें ढक के छोड़ना है 5 मिनट के लिए। ये काम आपको जरूर करने हैं कि घोल पे ढक्कन लगा के छोड़ना है और बाद में इसको चेक करेंगे कि इसमें और पानी का जरूरत है कि नहीं। पानी का जरूरत होगा तो बाद में डाला जाएगा, अभी बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है। इसमें लगा देती हूँ ढक्कन और 5 मिनट तक इसको रेस्ट पे छोड़ती हूँ। तो यहाँ पर चावल के आटा को 5 से 7 मिनट के करीब हो चुका है रेस्ट करते हुए। अब इसको एक बार फिर से मिक्स करना, देखिए अब कितना ये चिपचिपा सा हो गया, देख पा रहे हैं, क्योंकि ये फूला हुआ चावल नहीं है। जब आप तुरंत चावल को पीस के और उसका पापड़ बनाते हैं तो थोड़ा सा जरूर फुला लीजिएगा बैटर को, तो इससे क्या होता है पापड़ बहुत अच्छा बनता है और बिल्कुल भी टूटने का डर कहीं से भी नहीं रहता है। देखिए कितना चिपचिपा सा हो गया और घोल जो है हमारा एकदम सही है, इसमें हमें पानी अभी डालने का कोई जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड चलिए अभी कढ़ाई में पानी चढ़ा लेती हूँ चूल्हे पर, आपको दिखाती हूँ कितना पानी डालना है। पापड़ बनाने के लिए आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं और इसके अंदर हमें डालना है पानी, 1 गिलास के करीब इसमें पानी डाल दीजिए कढ़ाई में। 1 गिलास 1.5 गिलास आप पानी डाल सकते हैं, आप कढ़ाई देख लेंगे कि आपके कढ़ाई का साइज कितना है, बड़ा है या छोटा। अब इसमें ढक्कन लगा देती हूँ जिससे कि पानी हमारा जल्दी से उबलना शुरू हो जाए। पानी यहाँ पर देखिए गर्म हो चुका है। अब पानी के अंदर आप चाहें तो छोटा सा प्लेट रख सकते हैं, जैसे कि इस टाइप का कोई प्लेट आप यहाँ पर टिका सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी जाली वाला बर्तन आप रख सकते हैं, और चाहें तो इस टाइप का स्टैंड है आपके पास तो आप इसको भी रख सकते हैं। रखने के बाद फिर वापस से इसमें ढक्कन लगा देना है जिससे कि कढ़ाई के अंदर बहुत अच्छे से भाप बन सके। अब चलिए पापड़ बनाना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर पापड़ बनाने के लिए छोटे छोटे से प्लेट ले सकते हैं और बड़ा प्लेट भी आप ले सकते हैं, और डब्बे के ढक्कन में भी बहुत अच्छा से पापड़ बनता है। थोड़ा थोड़ा सा सारे प्लेट में पहले तेल लगा लेना है, तो ये काम आपको शुरू में ही करना है, बार बार नहीं करना है। अब देखिए तेल जो लगा हुआ है उसको अच्छे से कोई भी सूती कपड़ा से पोंछ दे, सिर्फ हमें प्लेट को चिकना करना है जिससे कि पापड़ जो है इसमें चिपके ना, देखिए। और बार बार आपको ये नहीं करना है, यदि आप पापड़ बहुत बार बनाएं और आपको लगे कि बीच में ये चिपकना शुरू हो गया है तो फिर से प्लेट में आप थोड़ा सा तेल डाल के और कपड़ा से पोंछ के साफ कर सकते हैं। अब सारे प्लेट में हमें 1-1 चम्मच करके बैटर को डालना है, बहुत ज़्यादा मोटा पापड़ नहीं बनाना है हमें, तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा सा आप दे के देख ले, प्लेट छोटा बड़ा जैसा है तो उस हिसाब से आपको इसमें
बैटर डालने पड़ेंगे। ये छोटा है तो एक चम्मच में ही अच्छे से ये हो गया। और यदि इसमें तेल लगा हुआ छोड़ देंगे, कपड़े से साफ नहीं करेंगे, तो ऐसे करने से ये पापड़ जो है सेट नहीं होता है, इधर उधर होते रहता है तेल के वजह से। देखिए इसी तरीके से हमें सारे प्लेट में बारी बारी करके पापड़ बना के तैयार करने हैं। आप चाहें तो 3 से 4 प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं एक बार, और चाहे तो बारी बारी से प्लेट को खाली करते जाए। जैसे 3 प्लेट एक बार हो जाए, फिर दूसरा 3 प्लेट में भर के रखें, इसको ठंडा होने दें, तब तक उस प्लेट को स्टीम करने के लिए डाल सकते हैं। तो ऐसे में झटपट से बहुत सारा पापड़ बनके तैयार होता है। चलिए अब आपको बना के दिखाती हूँ। अब देखिए पानी बहुत अच्छे से उबल गया है, इसी भाप पे हमें पापड़ को बना के तैयार करना है। पापड़ बनाने के लिए आप कोई भी पुरानी सी कढ़ाई ले सकते हैं, और इस पे देखिए इस तरीके से हमें प्लेट को डाल देना है। एक बार में जितना आ जाए, 3, 4, 5 जितना प्लेट सेट हो सके उतना आप कर सकते हैं, इसके बीच में भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब क्या करना है, इसमें ढक्कन लगा देना है, और ढक्कन लगा के 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भाप पे पकने देना है। ध्यान रखिएगा पापड़ अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, कच्चा नहीं निकालना है हड़बड़ा के, नहीं तो ये पापड़ जो है टूटेगा। गैस के फ्लेम को मीडियम रखिएगा, और चावल के पापड़ को भाप लगाने के वक्त में इसके ऊपर ढक्कन जरूर डालिएगा। बिना ढक्कन का भाप नहीं लगाइएगा ना, तो सारे पापड़ फट जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पापड़ को स्टीम दिलाते हुए 4 मिनट ही हुआ है, उससे थोड़ा सा कम ही समय लगा है, और एक बार का जो है हमारा पापड़ बहुत अच्छे से पक चुका है। आपको दिखाती हूँ नज़दीक से, पापड़ का कलर देखिए पकने के बाद कुछ इस तरीके का होना चाहिए, और इसी तरीके से आपको सारे पापड़ बना के तैयार करने हैं। तो चलिए आपको पापड़ निकाल के दिखा देती हूँ कि इसको निकालने का भी तरीका कैसे है, जिससे कि पापड़ टूटे ना। तो आप इस तरीके से कोई भी गहरे बर्तन को का इस्तेमाल कर ले पापड़ निकालने में, जिसमें कि थोड़ा पानी अटक जाए। अब क्या करना है फ्रेंड कि हमें पापड़ वाले प्लेट को पानी में डिप कर देना है। चावल के पापड़ को निकालने का बहुत ही आसान तरीका फ्रेंड्स, पापड़ को आराम से आप चाकू के सहायता से निकाल सकते हैं। पहले थोड़ा सा इसको पानी में डाल दे, प्लेट में पानी लेके, पानी डाल के पापड़ निकालने से ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और कभी कभार होता है ना कि चावल जो आप ले रहे हैं बहुत ज़्यादा पुराना वाला होता है, तो भी पापड़ बनाने में दिक्कत आता है, पापड़ कभी कभार फटने लगता है पुराना चावल के वजह से। यदि आपको भी दिक्कत आए पापड़ को निकालते हुए, यदि ये टूटने लगे, तो आप क्या कीजिएगा कि बैटर में जो चावल का आटा का जो घोल है उसके अंदर आप 2 चम्मच चाहे तो मैदा या 2 चम्मच सूजी डाल दीजिएगा, तो बिल्कुल भी आपका पापड़ नहीं टूटेगा। पापड़ देखिए बहुत अच्छे से निकल चुका है, आप देख पा रहे हैं, आपको दिखाती हूँ, और एक पापड़ मैं आपको और निकाल के दिखाती हूँ। पानी के अंदर थोड़ा सा डिप कर देने से क्या होता है, पापड़ जो है हमारा तुरंत ही ठंडा हो जाता है, ठंडा होने की वजह से ये प्लेट को छोड़ देता है, और धीरे धीरे से इसके किनारे से पहले आपको पापड़ को छुड़ा लेना है। देखिए बहुत ही आसानी से ये निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, देखिए है ना, प्लेट में भी नहीं लगा हुआ है, और हमारा पापड़ भी देखिए बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है। तो इसी तरीके से आप छोटा बड़ा जैसा चाहें वैसा पापड़ बना के और अच्छे से सुखा लें। इसको सुखाने में आपके यहाँ धूप है तो धूप में सुखा लें, नहीं है तो आप पंखे के हवा में 2 से 3 दिन तक अच्छे से सुखा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड सारे बना लेती हूँ, उसके बाद सूखता है फिर मैं आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पापड़ हमारा सूख के तैयार हो गया है। पापड़ को धूप में सुखाई हूँ और बहुत ही अच्छा एकदम सफेद सफेद सा गोल मटोल सा पापड़ बनके आया है, देखिए कितना पतला है। तो आप छोटा छोटा पापड़ बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन छोटा प्लेट रहेगा तो आपका पापड़ इतना ही साइज का आएगा। एक भी पापड़ नहीं टूटा है ना ही फटा है। अब चलिए आपको पापड़ फ्राई करके दिखाती हूँ। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें पापड़ को डाल दी है। अब देखिए इसका साइज कितना बड़ा हुआ है। इसमें ना ही पापड़ खार डाली हूँ और ना ही बेकिंग सोडा, ना ही बेकिंग पाउडर, कुछ भी नहीं डाला हुआ है, फिर भी हमारा पापड़ बहुत ही अच्छा बन के आता है। देख पा रहे हैं इसका साइज, जो बहुत ज्यादा खस्ता और एकदम सफेद सफेद सा पापड़ बनता है। तो फ्रेंड्स एक पापड़ और फ्राई करती हूँ। अपने साइज से ये पापड़ जो है एकदम डबल हो जाता है।
अच्छा लगा होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक और अपने फैमिली मेंबर में, दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।